हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 18 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका फॉर्म वैलिडेशन के बारे में। इससे पहले मैंने फॉर्म्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है इस सीरीज के अंदर, अगर वो मिस हो गई है आपकी तो वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो के अंदर हम फॉर्म वैलिडेशन प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, किस तरीके से रिएक्ट के अंदर करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइज मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई, रिएक्ट की टोटल की सीरीज चल रही है, अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड गाइज सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, जाए एंड फॉलो कर लें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले फॉर्म वैलिडेशन हम क्यों करते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा मैंने उसका इंट्रोडक्शन रखा है, इसको रीड कर लेते हैं पहले। फॉर्म वैलिडेशन इन रिएक्ट जेएस रेफर टू प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग यूजर इनपुट विद इन a form to ensure that it meets contain criteria or contains before it submitted. It help in preventing user from submitting incorrect or incomplete data and provides a better user experience by giving feedback on the input errors. So इस वाली लाइन में आप समझ गए होंगे जो फॉर्म वैलिडेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जिस तरह का हम इंटरफेस बनाना चाहते हैं यूजर को और दिखाना चाहते हैं वो पॉसिबल हो पाता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले जब मैंने फॉर्म की वीडियो बनाई थी उसमें ये बताया था फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर। तो उसी के अंदर का पार्ट है ये आपका कि वैलिडेट करना हो मानिए किसी भी फील्ड को तो वो कैसे कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। ओके, तो ये था आपका छोटा सा थ्योरी का पार्ट। तो यहां चलते हैं, ज्यादातर प्रैक्टिकल की चीजें हमें समझनी है क्योंकि प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका फॉर्म वैलिडेशन। तो यहां चलते हैं अपने एडिटर पे और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं गाइज। सो गाइज यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद आपको यहाँ पे एप डॉट जेएस दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पे हमने एच वन लिख रखा है आपका फॉर्म वैलिडेशन और यही आउटपुट आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का। ओके, यहाँ पे चलेंगे हम और यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बनाएंगे। सबसे पहले तो एक न्यू फाइल बना लूंगा मैं, फॉर्म वैलिडेशन करेंगे हम यहाँ पे। आप चाहें तो एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर भी कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे सेपरेट फाइल में आपको ये चीज सिखाऊंगा। ओके, जेएसएक्स ले लेंगे, ये देखें। ओके, एक नई फाइल बन गई हमारी आरएफसी। ओके, एक न्यू कंपोनेंट बना हमारा और इस कंपोनेंट को हम यहाँ कर लेंगे इम्पोर्ट, जैसे कि हम करते हुए आए हैं अभी तक। ये देखिए, ये कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया हमारा, करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म वैलिडेशन दिख भी रहा होगा। ओके, इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा फॉर्म वैलिडेशन आ चुका है। अब यहाँ पे कौन कौन से फील्ड्स होने वाली है, मिनिमम फील्ड्स ही रखूंगा मैं बट कोशिश ये करूंगा जितने भी फील्ड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वैलिडेट रहे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज स्टेट लेंगे सबसे पहले। ओके, यूज स्टेट में ही चीजें करेंगे। तो मैंने इससे प्रीवियस वाले में पहले मैंने आपको एक के ही अंदर सारी चीजें करके दिखाई थी। ओके, बट इस वीडियो के अंदर मैं अलग अलग यूज स्टेट लेने वाला हूँ। लाइक जैसे हम नेम लेंगे तो मैं सेट नेम कर देता हूँ और यहां से यूज स्टेट। ओके, और बाय डिफॉल्ट हम इसे नल कर देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से करूंगा मैं कॉपी, इसको कॉपी करने के बाद थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं। ये देखिए, ठीक है, आपको विजिबल होता रहेगा। ईमेल लेंगे, ईमेल की फील्ड होगी हमारे पास में और यहां पे सेट ईमेल कर देंगे सेम। देन इसके बाद में नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं यहां पर लूंगा आपका पासवर्ड। ओके, तीन ही रिक्वायर्ड फील्ड रखते हैं हम, बाकी आगे आने वाली एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर प्रॉपर डिजाइनिंग के साथ में ये सारी चीजें कवर करेंगे हम। ओके, जो प्रोजेक्ट के अंदर कवर करेंगे हम, यहाँ नहीं होगी वो। ओके, और इसके बाद में यहाँ पे एरर्स, जो भी एरर्स आपको दिखाने वो एरर्स वाले में आ जाएगा आपका। और यहाँ पे सेट, इसके बाद में यहाँ पे जो एरर्स होने वाले हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट फॉर्म में होंगे तो इसको हटाएंगे हम स्ट्रिंग को और यहाँ पे आपके कर्ली ब्रेसेस को लगा देंगे। इसके बाद है नेक्स्ट आपका, एक मैं यहाँ पे आपका बना रहा हूँ कि जब कभी भी आपका जो डेटा सबमिट होगा वो हमें शो करवाना होगा कहाँ पे, हमारे यहाँ पे HTML के पेज पे, जो भी हमारा ये कंपोनेंट उस पे। तो वो कैसे होगा, ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, इसको करता हूँ रिमूव और यहाँ पे आपका S बड़ा, ये देखिए, और ये जो आपका रहने वाला है ये रहेगा बाय डिफॉल्ट नल। तो ये स्टेट्स डिफाइंड कर लिए अभी हमने सबसे पहले, ठीक है। अब इसके बाद में अभी हमें क्या बनाना होगा, हमें फॉर्म भी तो बनाना होगा। तो अब चलते हैं सबसे पहले फॉर्म बनाने के लिए, तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे अभी क्या करेंगे, हम फॉर्म लेंगे, ये हो गया हमारा फॉर्म। इसके बाद एक डिव होगा हमारा यहाँ पे, अभी डिजाइनिंग को हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं देंगे गाइज, यहाँ पे डिजाइनिंग से रिलेटेड स्टफ्स नहीं करेंगे हम, वो मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से कि डिजाइनिंग प्लस आपका वैलिडेशन कैसे होता है। यहाँ पे हम वैलिडेशन सीखेंगे पूरा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में यहाँ पे हमारा हो गया आपका टाइप हो जाएगा टेक्स्ट, नेम हो जाएगा आपका, नेम रखना है तो आप रखिए अदरवाइज हमें रिक्वायर्ड नहीं होगा। और यहाँ पे जो हम वैल्यू रखने वाले हैं, जो अभी हमने ऊपर डिफाइंड करा है आपका, ये जितने भी स्टेट्स वही हम यूज करेंगे यहाँ पे भी,
जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में सिखाया था वैसे ही सेम। ऑन चेंज का एक फंक्शन बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, मैं अभी एक पे करके दिखाऊंगा आपको और फिर बाकी उसके बाद में हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे उसको। एरो फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे हम, सेट नेम जो अभी मैंने ऊपर डिफाइन करा उसमें से ई टारगेट, ये सब मैंने प्रीवियस वाली क्लासेस में इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया था कि आपको अब जाके सारी चीजें समझ में आने लगे, ठीक है। ये देखिए तो ये है हमारा कुछ इनपुट, ओके, यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा। देखिए लेवल हो गया आपका, इनपुट हो गया, इनपुट में टाइप, वैल्यू, वैल्यू का नेम कहाँ से आया ऊपर, नेम हमने यहां से ले लिया। ऑन चेंज पे हमने क्या करा, एक एरो फंक्शन डिक्लेयर करा जिसका सेट करवा दिया हमने सेट नेम ई टारगेट वैल्यू, ओके। अगर मैं इतनी चीज को सेव करूँ ना अभी, और सेव करने के बाद चलूं मैं अभी यहाँ पे अपने ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आपको इनपुट दिख रहा होगा, ठीक है, नेम का। अगर मैं यहाँ पे अभी लिखूं यहाँ पे कुछ भी, तो यहाँ पे सबमिट करने का अभी नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तो अभी हमें यही सारी चीजें और बनानी है। अभी इसका एरर कैसा दिखेगा, तो देखिए एरर पे एक क्लास मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है एरर। तो एप डॉट सी एस एस के अंदर उसके लिए मैंने यहाँ पे सी एस एस लिख भी रखी है, डॉट एरर, कलर हो जाएगा आपका रेड, डिस्प्ले इन एंड ब्लॉक, पैडिंग दे रखा है मैंने आपका लेफ्ट एंड राइट से, ठीक है। इस क्लास का यूज करने वाले हैं हम, और ये क्लास कहाँ पे यूज होगी आपकी, अब देखिए, अब मुझे एरर भी तो दिखाने हैं यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, एरर्स, ठीक है, डॉट, ठीक है, नेम, अगर नेम आता है और ये एंड का साइन, ठीक है, ये मैंने आपको, दैट्स वाई मैंने प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर वो नहीं देखी होगी आपने तो आपको ये सारी चीजें नहीं लग रही होंगी अभी, ओके। अब यहाँ पे एरर हो गया आपका, ये हमारा स्पैन आ गया, स्पैन के अंदर कर्ली ब्रेसेस लेना आपको, एरर्स डॉट नेम। अभी हम ये जो प्रिंट करवाएंगे ना, ये चीज कहां से आएगी, ये अभी यहां से आएगी जब हम यहाँ पे इफ एल्स का कंडीशन बनाएंगे, अभी नहीं आएगी आपके यहाँ पे। अगर मैं अभी सेव भी कर दूं आपको और यहाँ पे चलूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी कुछ विजिबल भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारे पास में है ही नहीं कुछ। अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे अभी हमें करना होगा इसका ईमेल, जो पासवर्ड है, ये सारी चीजें। तो कॉपी करूंगा मैं इसको, करूंगा पेस्ट, यहां ले लेंगे ईमेल को सबसे पहले, ठीक है, और आपका टेक्स्ट हो जाएगा ईमेल, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा। इसीलिए मैंने स्टेट सबसे पहले डिफाइन करी है गाइस वहां पे, कि जिसकी वजह से हमें हेल्प हो सके, जैसे ही हम बनाते चले वैसे वैसे हम यूज कर सके, ओके। और यहाँ पे जो नेम हटेगा वहां पे ईमेल आएगा आपका, और जो प्रिंट होगा एरर वो भी ईमेल ही होगा आपका, ठीक है। ये भी हो गया आपका, ये किसके लिए हुआ, ईमेल के लिए। अब इसके बाद में पासवर्ड वाला भी तो करना है, अब हमें करेंगे कॉपी, करेंगे सेव। तो देखिए पासवर्ड फर्स्ट, यहाँ पे आपके फील्ड का जो टाइप है वो भी पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है, और पासवर्ड ही हमने लिया था वहाँ पे भी, ये देखिए पासवर्ड, और यहाँ पे जो सेट करवाना है हमें वो भी आपका पासवर्ड ही है, ठीक है। और जो डॉट होने वाला है ईमेल का, वो भी हमारा क्या होगा यहाँ पे, पासवर्ड, और एरर भी जो प्रिंट होगा हमारा पासवर्ड से, ये डायनेमिक आएगा अभी, यही मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद में, इस डिव के बाद में एक सबमिट भी चाहिए हमें, जो कि हमारा बटन का रोल प्ले करेगा। टाइप लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, टाइप सबमिट कर देते हैं, और इस पर सिंपल आपका सबमिट लिख देते हैं। इस पर कोई फंक्शन नहीं बनाएंगे हम, क्या करेंगे, फॉर्म के ऊपर एक फंक्शन बनाएंगे जो फॉर्म के साथ चलेंगी चीजें। अगर मैं चीजें आपको दिखाऊं यहाँ पे अभी, तो देखिए ईमेल, नेम, पासवर्ड, ये चीज आ चुकी है अभी। अब इसके बाद में मैंने क्या कर रखा था आपका यहाँ पे, अगर मैं आपको स्टेट्स दिखाऊं, देखिए हमने इतनी सारी स्टेट्स को तो यूज कर लिया हमारे कहाँ पे, एचटीएमएल के अंदर, जो हमने यहाँ पे रिटर्न के अंदर लिखा है। अब एक और मैंने यहाँ पे लिखा था आपका सबमिट डेटा, ये कहाँ पे यूज होगा, ये यूज होगा जब हमारा फॉर्म के ऊपर ये जो सबमिट होगा ना फॉर्म हमारा, तब मैं चाहता हूँ कि हमारा जितना भी डेटा सबमिट हुआ है वो हमारा प्रिंट हो जाए यहाँ पे, इट मीन्स की यूआई के अंदर आ जाए। तो सबसे पहले देखिए करेंगे क्या, कर्ली ब्रेसेस लेना है आपको, ठीक है, एंड का साइन लगाना है आपको, देन इसके बाद में यहाँ पे एक और डिव लेंगे आप, एक H2 लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सबमिटेड डेटा कर लेता हूँ, जिससे कि हम जो सबमिट करेंगे ना डेटा वही यहाँ पे प्रिंट होगा। और यहाँ पे मैं नेम लेता हूँ पहले, कर्ली ब्रेसेस करेंगे हम यहाँ पे सबमिटेड, ओके, डेटा डॉट नेम। अब ये सबमिटेड के अंदर आएगा कैसे, जब मैं अभी यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा ना आपका सबमिट का, ऑन सबमिट का, उसी के अंदर हम इसके अंदर सेट करवाएंगे, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसको करेंगे कॉपी पेस्ट, ठीक है, क्योंकि तीन होने वाले हैं हमारे पास में, ईमेल होगा हमारा यहाँ पे, इसको ईमेल में चेंज कर देंगे, ओके। इसके बाद होगा हमारा यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे होने वाला है हमारा पासवर्ड, ठीक है, ये तीन चीज रहेंगी। अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे आपका ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होगा ये अभी, क्योंकि अभी कंडीशंस लगी हुई है। अब जो मेन हमारा यहाँ पे बचता है वो बचता है ऑन सबमिट का,
जिसकी वजह से हमारी चीजें चलेंगी। तो सबसे पहले उसे डिक्लेयर कैसे करना है, ऑन सबमिट करेंगे आप यहां पे, ओके, कर्ली ब्रेसेस लेंगे, हैंडल सबमिट, ये मैंने यहां पे ले लिया फंक्शन, इसी फंक्शन को हम यहां पे यूज करने वाले हैं सबसे पहले। अब मैंने क्या करा यहां पे, मैंने जब यहां पे आपका हैंडल सबमिट ले लिया है तो अब हमें क्या करना होगा, यहां पे फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, कैसे होगा वो, तो अब हम क्या करेंगे यहां पे, यहां पे आना है हमें। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं हम जिसमें हम एरर पकड़ सकेंगे, तो उसका नाम ले लेते हैं हम वैलिडेट फॉर्म, एरो फंक्शन होने वाला है, और यहां पे लेट ले लेते हैं, इज वैलिडेट कर देते हैं, ये देखिए बाय डिफॉल्ट ट्रू रखते हैं इसकी वैल्यू कि ये सबसे पहले दिखता ही रहेगा। ठीक है, अभी हम नीचे चलेंगे ना, यहां पे आप देखेंगे नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये जो एरर वाला है उसी के लिए हम ये चीजें वैलिडेट करेंगे यहां पे, कि पहले अगर वो वैल्यू ना हो वहां पे तो वो एरर शो करे वहां पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं न्यू एरर्स, ठीक है, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, दैट्स व्हाई हम कर्ली ब्रेसेस लेंगे यहां पे। इसके बाद नेक्स्ट सबसे पहले बनाते हैं हम यहां पे इफ के लिए, जो इफ होगा वो हमारा नेम के लिए होगा, और नॉट लेते हैं, नॉट नेम डॉट ट्रिम, और यहां पे जो नेम हो रहा है हमारा अगर वो नहीं है हमारा तब हमारे को क्या दिखना चाहिए, एरर। यहां पे लेंगे आपका नेम, ओके, नेम के बाद में यहां पे क्या नेम जाएगा डायनेमिक, ये देखिए आप जो भी नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं, दैट्स व्हाई मैंने आपसे कहा ना हम डायनेमिक फिल करेंगे वहां पे, और इज वैलिडेट जो होगा हमारा वो यहां पे फॉल्स हो जाएगा, यहां पे ट्रू था बाय डिफॉल्ट, ओके, और यहां पे आपका फॉल्स हो जाएगा। अब ये चीज हमने एक के लिए तो बना दी, ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि हमने इसे यूज नहीं करा अभी, हैंडल सबमिट अभी तो क्रिएट करा ही नहीं हमने, तो देखिए वो अलग से क्रिएट होगा आपका, क्योंकि वो सबमिट फंक्शन है हमारा। हम यहां पे लेंगे आपका, अभी मैं एक ही बना रहा हूं, ओके, आगे के अभी हम तीन बनाएंगे, मैं एक बना के आपको दिखा रहा हूं कि कैसे वर्क करेगा आपका इवेंट, ओके, और यहां पे हमारा ये फंक्शन है। अब इवेंट जो लिया है आप ई भी ले सकते थे, प्रिवेंट डिफॉल्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था रीलोड नहीं करवाना, दैट्स व्हाई हम इसका यूज करते हैं। इफ, इफ के बाद में आपको यहां पे जो अभी आप ऊपर फंक्शन मैंने डिक्लेयर करा है वैलिडेट फॉर्म वो यूज करना है। कर्ली ब्रेसेस लेंगे हम यहां पे, कॉन्स्ट बनाएंगे, कॉन्स्ट में हमारा क्या है कि ऊपर जो मैंने अभी यहां पे ये जो हमने रखा था इसको सबमिट डेटा को, इसको बनाना होगा हमें किसमें, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो देखिए कैसे सबमिटेड करेंगे हम, सबमिटेड डेटा इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, ओके, नेम हो जाएगा आपका कॉमा लगाएंगे आप, ईमेल होगा कॉमा लगाएंगे, पासवर्ड, ये तीन फील्ड होने वाली है हमारी। तो ये हो गया हमारा किसका, कॉन्स्ट। अब इस कॉन्स्ट के बाद में सेट करेंगे आप सबमिट डेटा। अब ये सेट सबमिट डेटा कहां से आया, ये आया आपका यहां से, इस वाले यूज स्टेट से। अब क्या करवाना है हमें, इसमें सेट करवाना है, तो सबसे पहले हम क्या सेट करवाएंगे इसमें, सबमिट डेटा, ये देखिए ये सेट हो गया। और अगर मैं यहां पे कंसोल करूं, कंसोल में हम सबसे पहले यहां पे करेंगे क्या, फॉर्म सबमिटेड, ठीक है, इतनी चीज हो गई है। और यहां पे प्रिंट क्या करवा लेते हैं, यहां पे करवा लेते हैं आपका सबमिट ही करवा लेते हैं, सबमिट डेटा को, ये देखिए। तो ये है आपका बस सिंपल सा आपका हैंडल सबमिट, जो सबमिट फॉर्म चलेगा हमारा। अगर मैं इतनी चीज को सेव करूं, और सेव करने के बाद अभी मैं यहां पे चलता हूं, और यहां पे अगर मैं क्लिक करूं तो देखिए अभी भी यहां पे कुछ नहीं चल रहा है, ओके, तो यहां पे क्यों नहीं चल रहा है, एक बार यहां देखते हैं। देखिए यहां पे क्या क्या चीजें आ रही है, इज वैलिडेट इज असाइन अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड, सेट एरर इज असाइन बट नेवर यूज्ड, ओके, ये दोनों चीजें अभी सेट नहीं चल रही हैं, ठीक है। अब ये चलेंगी कैसे, यहां पे ये चलेंगी कैसे, तो यहां पे अभी हमने इफ बनाया था, तो यहां पे अभी हमें करना क्या होगा, इस वाले में वैलिडेट वाले में सेट एरर्स, ओके, एरर्स में हम क्या करेंगे, न्यू एरर्स अभी हमने ऊपर लिया था ना इसमें ही, ये जो आपके हमने यहां पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिया था उसी को हम यहां पे दे देंगे, आपका सेट करवा देंगे पहली चीज। और रिटर्न क्या होगा हमारा यहां पे, इज वैलिडेट, ये देखें अगर मैं इतनी चीज को करूं सेव अभी, तो देखिए सक्सेसफुल आ रहा है अभी हमारा मैसेज, चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद करूंगा मैं सबमिट, तो सबमिट करने के बाद देखिए अभी एम्प्टी है हमारा, दैट्स व्हाई उसने क्या दिया हमें, एरर दिया यहां पे, नेम इज रिक्वायर्ड। अगर मैं यहां पे नेम डाल देता, मानिए मैं अपना नाम डाल दूं भास्कर, करूं सबमिट अगेन, तो देखिए सबमिट हो गया हमारा। और सबमिट होने के बाद आप देखेंगे, देखिए नेम भास्कर आ गया, ईमेल पासवर्ड अभी है नहीं, बट यहां पे आप देखेंगे सबमिट चल रहा है अभी हमारा, ओके। अब हमने वो रिक्वायरमेंट तो लगाई नहीं है कि बाय डिफॉल्ट सबमिट ना हो जब तक सारी रिक्वायर्ड फील्ड ना सबमिट हो, तो देखिए बाकी की जो फील्ड्स हैं उसके लिए आपको कैसे करना होगा तो वो समझिए आप। यहां पे इफ का तो हो गया आपका, इफ के बाद में हम बनाएंगे एक और इफ, और ये इफ होगा आपका किसके लिए, ये होगा आपका ईमेल के लिए, ईमेल डॉट
ट्रिम, और ये ट्रिम क्यों कर रहे हैं हम, जो भी स्पेस होता है ना हमारा उससे रिलेटेड हम रखते हैं इसको। न्यू एरर्स ओके डॉट ईमेल, हम डायनेमिक यहां पे क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, ईमेल इज रिक्वायर्ड, पहली चीज तो हो गई। इज वैलिडेट हो जाएगा आपका यहां पे फॉल्स, ओके। एल्स इफ बनेगा इसके लिए, इस वाले केस में आपका यहां पे, क्योंकि हमें यहां पे क्या चेक करवाना होगा, हम यहां पे ईमेल को चेक करवाएंगे एट द रेट है या नहीं है ये सारी चीजें, ओके। तो हम जो जितने भी साइंस रिक्वायरमेंट है वो हम यहां पे साइन लगा देते हैं, ठीक है। ये हम टेस्ट करवाएंगे जो ईमेल के अंदर जो वैल्यू मिल रही है ना हमें, उसके अंदर एट द रेट अवेलेबल है या नहीं है, वो करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं, सिंपल इस तरीके का हम यहां पे कंडीशन लगाएंगे। और यहां पे एक और नया एरर शो कराएंगे, अगर वो मैच नहीं करता तो यहां पे इनवैलिड लिख देंगे, देखिए। और इस वैलिडेट को हम यहां पे फॉल्स रखेंगे। तो ये वाला किस केस के लिए हो गया, ये हो गया आपका ईमेल के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बचता है यहां पे, वो बचता है किसका, पासवर्ड का। इफ लेना है आपको, सेम नॉट पासवर्ड ट्रिम, ओके, जो भी स्पेस रहने वाला है वो हटेगा पहले तो। एंड न्यू पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, पहली चीज। इज वैलिडेट आपका फॉल्स हो जाएगा। एल्स इफ रहेगा आपका यहां पे, इफ रखना है आपको, तो आपका यहां पे रहेगा पासवर्ड की लेंथ भी हम यहां पे दिखाएंगे कि एरर की तरह, ओके। मिनिमम क्या होना चाहिए आपका, 6 होना ही चाहिए, ओके। अगर 6 नहीं है तो फिर एक एरर दिखेगा आपका पासवर्ड में, ये देखें। और यहां पे लिख देते हैं पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट, ये हमारा मैसेज हो जाएगा। इज वैलिडेट लेंगे यहां पे, फॉल्स हो जाएगा। अब हमने क्या करा, हमने पासवर्ड का भी बना लिया है, हमने ईमेल का ही बना लिया, नेम का ही बना लिया, ओके। और सबमिट का तो हमने यहां पे बना ही रखा था। इसके बाद चलते हैं, करते हैं सेव। एंड सेव करने के बाद में यहां चलेंगे, यहां पे अगर मैं करूं क्लिक, क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले देखेंगे यहां पे नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब एक एक करके यहां पे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। देखिए मैंने भास्कर लिखा, अब आपका मेरा नेम हट चुका है बट ईमेल अभी भी है। देखिए मानिए मैं अगर भास्कर डॉट कॉम डाल दूं, कर मारूं हिंट, तो देखिए एट द रेट का आपको एरर दिख रहा है। अगर मैं यहां पे एट द रेट डाल दूं और सबमिट करूं, तो सबमिट करने के बाद आप देखेंगे ईमेल इज इनवैलिड, जो हमने यहां पे रेजेक्स बनाया था, ओके। ये जो हमने रेजेक्स यहां पे बनाया था गाइस, ओके, ये वही टेस्ट कर रहा है कि वहां पे एट द रेट और डॉट ये सारी चीजें अवेलेबल है या नहीं है, ओके। तो आप देख रहे हैं यहां पे वर्किंग है वो। अब इसके बाद में अगर मैं gmail.com लगा दूं, तो देखिए एरर मैसेज चला जाएगा, देखिए ये भी सही हो गया हमारा। अब बचा पासवर्ड, पासवर्ड में अगर मैं रैंडमली 4 डिजिट डाल देता हूं, पहले 4 कैरेक्टर, और हिट करता हूं, तो देखिए पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग, तो ये भी हमारा वर्क कर रहा है। अगर जैसे ही मैं कैरेक्टर 6 कर देता हूं और यहां पे एंटर मारता हूं, तो देखिए हमारा यहां पे ऑब्जेक्ट मिल चुका है, ईमेल नेम पासवर्ड। एंड यहां पे जो हमने कंडीशन बनाई थी आपके सबमिटेड वाले की, वहां पे भी आपका नेम प्रिंट हो रहा है, नेम ईमेल पासवर्ड, ओके। तो देख रहे हैं आपका कि किस तरीके से आप फॉर्म वैलिडेट कर सकते हैं आपका रिएक्ट के अंदर। ये तो हो गया वो जो कस्टम मेथड है आपका। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसके साथ में आपका लाइब्रेरीज जो मिलती है हमें रिएक्ट में, उसके साथ में आप ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना सब कुछ करने की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं, वहां पे सब कुछ प्री डिफाइंड होती है, आपको बस यूज करना है उन सारी चीजों को। तो यहां पे हमने आपने देखा कि किस तरीके से स्टेट को मैनेज करा, ओके। हमें एक फॉर्म वैलिडेट करके एक फंक्शन डिक्लेयर करा, जिसके अंदर हमने नेम ईमेल पासवर्ड को कंडीशन वाइज चेक करा, रिटर्न करवाया हमने, और फिर हमने सबमिट फॉर्म पे हमने क्या करा, आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके नेम ईमेल पासवर्ड को सेंड करा, और वही चीज हम यहाँ पे आपका सेट भी करवा रहे हैं और यहाँ पे शो करवा रहे हैं, ओके। सो गाइज, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वो एक बार देख लेते हैं पहले। सो गाइज, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे किस तरीके से फंक्शन बनाने के बाद में फंक्शन को एज अ प्रॉप कैसे पास कर सकते हैं अपने चिल्ड्रन कंपोनेंट्स के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब टिल देन बाय बाय गाइज।